सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर, परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल लिया दाता, हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो, आप फिर भी हमारे हम दुष्टों के पास आ गए, अरे से गंदे लोक में जो बढ़िया लोक ने छोड़ के, तो हे परमात्मा आपका कैसे आना हुआ और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया यहां हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जा, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी बैंकर अतिथि से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महा दुखी हुए, और वहां से यहाँ आने आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर, जहां ये काल 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव ये ऊपर का कवर तो यहां रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है जो सत साधना नहीं करके जाता, तपस्या पर भूने जाते हैं, वहां चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, सहज कभी सहज दास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहां जोगजीत के रूप में वहां आए, और ज्योत निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपतशिला पर जहां जीव दुखी हो रहे थे, तो परमात्मा की शक्ति से वो तपतशिला तो जल रही है लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माच रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई, तो उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया, यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहां उन्होंने पूछा, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी वही भूलने जा रहे थे, गुरु जी वीर चेले भी सारे इकट्ठे होने थे, तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था, उसका दंड है ये। तुम वहां उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे उस इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहां फंसने का कारण बताया, तो सभी जीवों ने कहा है भगवान, हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर, तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहां तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े नहीं हो गए, जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करुणा मम संत सतशब्द सनेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुझे तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा, ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया, उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांध कर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं,
और इनसे निकला हुआ गंध भारे जाता। आप देखते हो एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको। और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जा, और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपतशिला पे, तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने देख सोचा था कि वो जचले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपतशिला पर बन गए सभी प्राणी, जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं, हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है।